नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं राजेश झा। दोस्तों, आज जो है IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक डाटा जारी किया है, उसके मुताबिक दोस्तों इस कोरोना काल में लगभग 1000 से अधिक डॉक्टर्स की जान चली गई है। 1000 से अधिक डॉक्टर्स की जान, आप समझ सकते हैं इसकी भयावहता। उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले एक महीने में लगभग 278 डॉक्टर्स की जान गई है। तो पिछले एक महीने में जिन डॉक्टर्स की जान गई होगी, ये तो उम्मीद कर सकते हैं कि वो लोग फ्रंटलाइन वर्कर थे, तो उनको तो वैक्सीन का डबल डोज लगा होगा, क्योंकि IMA भी बोल रहा है कि इनमें से कुछ डॉक्टर्स को डबल डोज वैक्सीनेशन का लग चुका था। अभी कहा गया है कुछ डॉक्टर्स को, पता नहीं कितने को लगा था। ये चीज़ तो समझना पड़ेगा कि कितने को लगा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं वैक्सीन पे शंका नहीं पैदा कर रहा हूँ, मैं जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि कितना सतर्क रहने की ज़रूरत है। जब वैक्सीनेटेड आदमी को फाइट करने में इतनी तकलीफ़ हो रही है, जब डॉक्टर्स को इतनी तकलीफ़ हो रही है, तो हमें वैक्सीनेशन के बाद भी कितने सतर्क रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, इससे भी चौंकाने वाला बात, बिहार में लोग बहुत खुश हैं कि भाई यहाँ तो कोरोना है ही नहीं, गांव में तो कोरोना है ही नहीं। दोस्त, हम सभी जानते हैं कि बिहार जो है वो गांवों का देश है, गांवों का राज्य है। वहाँ जो है बिहार में दूसरे स्टेट की जगह बहुत बहुत ज़्यादा संख्या में बड़े शहर नहीं हैं, किंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स की मृत्यु बिहार में हुई है। वहाँ अभी तक 78 डॉक्टर्स की जान जा चुकी है, 78, जबकि दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है जहाँ 37 डॉक्टर्स की जान गई है। तो आप समझिए कितना बड़ा डिफरेंस है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, हम तो उतने बड़े नहीं हैं, हमारी आबादी उतनी बड़ी नहीं है, फिर भी इतना अधिक हमारे यहाँ प्रकोप है। और हम कह रहे हैं कि हम तो गांव में हैं, हमें तो कुछ नहीं हो सकता है। दोस्तों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि ये लगन का टाइम है, अपने यहाँ शादी ब्याह का माहौल है, मुंडन, जनेऊ, ये सब का टाइम है, कोई मानने को तैयार नहीं है। लोग आज भी भोज खाने जा रहे हैं, लोग आज भी निमंत्रण दे रहे हैं। मैं आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ, जो भी रिलेटिव या जो भी समाज के लोग आपको निमंत्रण दे रहे हैं, आप हाथ जोड़ लीजिए, कह दीजिए कि आप नहीं आ सकते हैं, आपके घर से कोई नहीं जा सकता है, बहुत ख़राब समय है। यदि उनको इस चीज़ को समझना होगा तो वो समझ जाएंगे कि दोनों परिवार की हानि होने वाली है, तो वो आपके मना करने का बुरा नहीं मानेंगे। और उसके बाद भी यदि वो बुरा मानते हैं कि हमारे कार्यक्रम में नहीं आया, तो आप समझ लीजिएगा कि उसके लिए आपका और आपके परिवार के जीवन का कोई मोल नहीं है। तो फिर ऐसे लोगों के साथ रिश्ता रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सावधान करिए लोगों को, जितना कम हो सके घर से निकले, जितना कम हो उतना लोगों से
कम इंट्रैक्शन रखे, मास्क पहने, जो भी प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें, इस भ्रम में ना रहे कि गांव में कोरोना नहीं है, हमें नहीं होगा। कृपया इन बातों को ध्यान देने की ज़रूरत है। बड़े बुजुर्गों से रिक्वेस्ट करता हूं कि सबको समझाएं, सब में ये चीज़ कह दें कि अभी जिनको भी जो फंक्शन करना है वो अपने घर में कर लें, अपने पारिवारिक के बीच कर लें, बाहर वाले को नहीं बुलाएं, समाज को नहीं बुलाएं, रिलेटिव को बुलाकर इस संकट में ना डालें। बाकी आपकी मर्जी, मैं तो बस कह ही सकता हूँ। जय हिंद, जय भारत।